नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। सुषमा स्वराज के निधन से पूरा देश गमगीन है। सुषमा स्वराज सिर्फ एक ट्वीट पर विदेशों में फंसे किसी भी भारतीय की मदद के लिए तुरंत सक्रिय हो जाती थी, और यही वजह थी कि वो राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों की पसंदीदा नेताओं में से एक थी। निधन से कुछ ही घंटों पहले उन्होंने पीएम मोदी को ट्वीट के जरिए जम्मू कश्मीर में हुए बड़े बदलाव को लेकर बधाई भी दी। इस ट्वीट और सुषमा स्वराज के निधन के बीच के वक्त का बेहद कम फासला हैरान करने वाला था। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं रही। मंगलवार की रात 10:50 पर उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। निधन से कुछ ही घंटों पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ट्विटर पर जम्मू कश्मीर में हुए बड़े बदलाव को लेकर बधाई दी। लेकिन 67 वर्षीय सुषमा स्वराज निधन से महज एक घंटे पहले 8:50 पर भारत के टॉप वकील और इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव मामले में भारत का पक्ष रखने वाले हरीश साल्वे को आकर ₹1 बतौर फीस ले जाने को कहा था। बता दें कि सुषमा स्वराज ने कहा था कि कुलभूषण जाधव मामले में केस लड़ने के लिए वकील हरीश साल्वे ने महज ₹1 फीस ली थी। हरीश साल्वे और सुषमा के बीच एक बहुत ही भावनात्मक बातचीत थी। सुषमा ने साल्वे से कहा, कल 6 बजे आओ और मुझसे मिलो। लेकिन स्वराज साल्वे की ये ₹1 की फीस ना अदा कर सकी और हमेशा के लिए रुखसत हो गई। सुषमा स्वराज की सक्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि तबीयत खराब होने से कुछ देर पहले तक वो ट्विटर पर सक्रिय रही। तबीयत बिगड़ने से कुछ ही देर पहले शाम 7:23 पर उन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। सुषमा के निधन की खबर के बाद बार बार लोग उनके आखिरी ट्वीट को पढ़ रहे हैं, जो बेहद मार्मिक है। सुषमा के निधन की खबर सुनकर पूरे देश में शोक की लहर है। बीजेपी ही नहीं बल्कि विरोधी दलों के नेता भी सुषमा स्वराज के निधन से स्तब्ध है। देश और दुनिया में बेहतरीन वक्ता के तौर पर लोकप्रिय रही सुषमा ने एक बेहद शानदार राजनीतिक पारी खेलकर मंगलवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी।